Hello students, चलिए we'll start the practice set 6.3. In that you'll see the question क्या है यहाँ पे. Last question number 1 का मैंने last part लिखा है where we have to find out. तो यहाँ पे बोला कि find the mode of a fat content. मतलब question ऐसा है कि कोई center पे milk collect कर रहे हैं, milk collection center है वहाँ पे. तो you can see it is divided into two, the table is divided into two column, right? First content of fat in percent and the milk collected in liter, right? तो देखिए यहाँ पे कंटेंट ऑफ फैट, मतलब यहाँ पे देखिए 2-3% फैट परसेंटेज दिया हुआ है और कितना 30 लीटर्स मिल्क का. तो ऐसे यहाँ पे भी दिया 3-4% फैट है और ये 70 लीटर्स में. तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम फैट का परसेंट क्या है, कितना मिल्क है जिसमें, मतलब मैक्सिमम फैट का कलेक्शन है या बोल सकते हैं हम लोग. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 80 है, 80 लीटर्स, उसमें 4-5 जो परसेंटेज है वो ज्यादा लीटर्स ऑफ मिल्क है, राइट. 4-5% फैट कंटेंट किसमें, 80 लीटर्स मिल्क में. तो अभी हमें ये नहीं बताया कि 4% फैट है, 4% फैट 80 लीटर्स में है कि 5 लीटर्स फैट 80 लीटर्स में है, या इन बिटवीन 4.5 है या 4.3, वी डोंट नो. बिकॉज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही पता है, इट इज अ ग्रुप, क्लास में डिवाइड है 4-5. So, अब चलिए चलते हैं हम लोग 9th में, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया कि कैसे करेंगे, 4 या 5 क्या आंसर होगा. तो 9th में हमने सीखा है अगर कोई स्कोर्स दिया हुआ है, राइट. अगर आपके पास कोई स्कोर्स है, लाइक सपोज नंबर 2, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 7 सपोज. तो अभी यहाँ पे आपको बोलेंगे कि फाइंड आउट दी मोड. तो मोड होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे देखना विच नंबर इज रिपीटेड अ मैक्सिमम टाइम. देखिए यहाँ पे 2, 1, 2, 3, जो 2 है वो 3 टाइम्स है, राइट. अब 3 यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम है और 7 1 टाइम है. तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपीटेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब दोज नंबर रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, इट इज कॉल्ड मोड. तो आप मोड किसको बोलेंगे, मोड हो जाएगा यहाँ पे 2. तो इसका मीनिंग क्या बोलता है, मोड क्या बोलता है, मोड मतलब दैट यहाँ पे जो 2 है वो रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, ओके. इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ज्यादा बार रिपीट हुआ, फ्रीक्वेंटली, राइट, बोल सकते हम लोग यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये अगर हम लोग कॉलम में देखे, बिकॉज ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया, जो हमने 9th में स्टडी किया हुआ था, राइट, ये अनग्रुप डेटा के ऊपर था, अनग्रुप स्कोर्स के ऊपर था. बट यहाँ पे कैसे हो गया, स्टैंडर्ड 10th में, स्टैंडर्ड 10th में आपको क्या करना है, मोड तो फाइंड आउट करना है, बट इट इज बेस्ड ऑन द ग्रुप डेटा, राइट. जो स्कोर होंगे, जो डेटा होंगे, वो किसके ऊपर होंगे, ग्रुपिंग किए हुए. तो इट इज डिवाइडेड, ग्रुप मीन्स द क्लास. अब यहाँ पे डिवाइड किए तो हमें दिख रहे, ये देखिए रिपीटेड है, ये मैक्सिमम नंबर रिपीट हो रहे. तो यहाँ पे जो 80 है वो मैक्सिमम टाइम बिगेस्ट नंबर है, राइट. फ्रीक्वेंसी 80 दिख रही है, बट किसकी फ्रीक्वेंसी है, 4-5% कंटेंट ऑफ फैट. तो अब यहाँ पे कैसा था कि आपको क्लियर दिख रहा था 2 इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, बट यहाँ पे क्या है, 4 रिपीट हो रहा है 80 टाइम्स कि 5 रिपीट हो रहा है 80 टाइम्स, पता नहीं, या 4 और 5 के बीच में 4.1, 4.2 या 4.5 जो भी है वो रिपीट हो रहा है. सो इन दिस केस ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट मोड, आपको एग्जैक्ट मोड नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट मिलेगा हमें. जैसे हमने मीन फाइंड आउट किया था, मीडियन फाइंड आउट किया था, इवन मोड. तो मोड में भी हमें क्या होगा, ग्रुप डेटा में वी आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट. सो हियर इट इज नॉट क्लियर दैट 80 टाइम्स विच वन, 4 और 5%, ठीक है. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें विल यूज द फॉर्मूला, राइट. तो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, हियर इट वाज सिंपल, 9th में क्या सिंपल था, जस्ट काउंट द नंबर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, तो वो आपका हो गया था क्या, मोड. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले को आपको यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है. चलिए फॉर्मूला में पहले यहाँ पे राइट करता हूँ, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट जस्ट रिमेंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला फर्स्ट. तो यहाँ पे देखिए मोड का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम में भी जब भी आए क्वेश्चन तो आप पहले फॉर्मूला लिखिए. क्या फॉर्मूला होगा, देखिए मोड इक्वल्स टू एल प्लस, अब मीडियन में भी एल से स्टार्ट था, एल प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वन माइनस एफ जीरो
डिवाइडेड बाय 2f1 - f0 - f2 देन ब्रैकेट क्लोज, इसे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे हम लोग, ये देखिए ऐसे लिखते हैं थोड़ा कैसे इनटू h, कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, इसको याद रखने का प्रॉब्लम है। चलिए फिर लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे इसको याद रखेंगे, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया राइट, सपोज फॉर्मूला याद हो गया। अब ये फॉर्मूले में जो भी टर्म्स है एफ, क्या क्या टर्म्स है देखिए, यहाँ पे एल है, एफ वन है, एफ जीरो है, एफ टू है और एच है, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे राइट, विच नंबर फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है यहाँ पे, सिंपल में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी देखिए 18 ये ज्यादा है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ वन, याद रखना ठीक है। एफ वन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पे साइड में नोट डाउन भी कर सकते हैं, एफ वन होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जब आपको एफ वन मिल गया, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में एफ वन मिल गया, तो ये आप एफ वन क्या हो, एफ वन के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ जीरो एंड एफ टू राइट। एफ वन के पहले इसको बोलते हैं प्रेसिडिंग राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जीरो और एफ टू के बाद वाले को सक्सीडिंग बोलेंगे, दैट इज एफ टू। तो आपको याद हो गया, तो मतलब मेन आपको एफ वन याद रखना है, एफ वन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, चाहे तो फॉर्मुले पे भी है वहां पे आप लिख सकते हो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी राइट। तो ये मिल गया है तो उसके जो ऊपर पहले राइट बोल सकते वो एफ जीरो होगा और उसके बाद वाला हो जाएगा एफ टू। तो ऐसे भी याद रखते हैं, देखिए एफ वन मिल गया तो जीरो उसके पहले आएगा, जीरो वन टू, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे अगर आपने यहाँ पे टू कर दिया और यहाँ पे जीरो कर दिया तो देखिए रॉन्ग हो रहा है, टू वन जीरो ओके। तो ऐसे नहीं करना, हमें वन लिया तीन ऑर्डर में, कैसे जीरो वन टू थ्री नंबर आते हैं ना, सो इन दैट ऑर्डर कैन रिमेम्बर जीरो वन टू। सो वी गॉट एफ वन एफ जीरो एफ टू। अभी हमें क्या बाकी है, जहां पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिला आपका ठीक है, वहां से आपको कहाँ पे आना है, क्लास में आना है ठीक है। ये देखिए जो दिख रहा है आपको इसे हाईलाइट कर सकती है, ये जो 4 to 5 दिख रहा है वो मॉडल क्लास, हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास, मोड को मॉडल भी बोलते हैं राइट। सो 4 to 5 इज मॉडल क्लास। अब यहाँ पे मॉडल क्लास में मीडियन हमने देखा था, मीडियन क्लास में जो लोअर क्लास लिमिट था वो एल था, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, देखिए 4, क्योंकि 4 and 5 हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेयर यू गेट अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा मॉडल क्लास और 4 हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट। तो आपको एल भी पता चल गया। अभी फाइंड आउट क्या करना है, एच, एच इज द मॉडल क्लास क्लास इंटरवल राइट। 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1, या ऐसे भी दे सकते हैं 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1, ऐसे भी सेम डिफरेंस आएगा, ऐसे भी सेम डिफरेंस आएगा और ऐसे भी सेम डिफरेंस आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका एच, एच इज द क्लास इंटरवल राइट ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, अब सॉल्व करेंगे। सो राइट हियर यू स्टार्ट विद द एफ वन राइट, F1 है आपका 80, सो यू कैन राइट F1 मिल गया, F0 हो गया आपका 70, F2 हो गया आपका 60 राइट, और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 60 चलिए, और क्या था L, L हो गया आपका 4, H है आपका 1, एंड यू कैन राइट हियर मॉडल क्लास इज 4 to 5, ये माइनस नहीं है, डैश 4 to 5 लिख कर दिया, 4-5 ऐसे, सो मॉडल क्लास इज 4 to 5, ये हो गया आपका। और यू कैन राइट इन द बिगनिंग आल्सो मॉडल क्लास इज 4 to 5, देन यू कैन राइट दिस वन, तो प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, कोई भी ऑर्डर में लिखेंगे बट वैल्यूज करेक्ट होनी चाहिए। तो आपने एक बार ये पूरा अच्छे से लिख दिया, सो राइट द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा था स्टार्टिंग में, टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी थिंग। जब फॉर्मुला आप लिखे रहेंगे सो इट इज ईजी टू फाइंड आउट वेयर इज एफ वन, वेयर इज एफ टू, वेयर इज एच एंड ऑल। आप नहीं लिखेंगे तो कभी कभी मीडियन का भी मिक्स हो जाता है माइंड में रखे, सो बेटर यू समवेयर इन द साइड यू राइट दैट फॉर्मुला। देन आफ्टर गेटिंग ऑल दिस, आपको देखिए एक तो याद रखो यहाँ पे तो आपने लिखा हुआ है, बट हियर ऑल्सो यू ट्राई टू राइट ऑल्सो, समटाइम चिल्ड्रन आर नॉट राइटिंग हियर ऑल्सो एंड नॉट राइटिंग हियर, डायरेक्टली दे पुट इन द फॉर्मुला, सो यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स for writing the given these things, you are having the for this steps marks यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे formula पहले लिखते हैं, L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2
मल्टीप्लाई बाय एच। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे एल प्लस, आप देखिए एल प्लस वैल्यू रखते हैं। चलिए एल क्या है यहाँ पे, एल है आपका फोर, एल हो गया यहाँ पे फोर। एफ वन क्या है 80 माइनस, एफ जीरो क्या है, एफ जीरो है, एफ जीरो है यहाँ पे 70 होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ वन मल्टीप्लाई, एफ वन इज 80 माइनस एफ जीरो 70 एंड एफ टू, एफ टू है आपका 60 सी और एच है 1। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपने जो रखा हुआ ये वैल्यूज यहाँ पे रखना इम्पोर्टेंट है। तो चेक करना, रखने के बाद यू रीचेक इट अगेन, नहीं तो एफ वन की जगह एफ टू हो गया और एफ टू से एफ वन या एफ जीरो ऐसा भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए ये फोर को हमें कुछ नहीं करना है टिल द लास्ट, कहां तक, जब तक ये पूरा सॉल्व करके वन सिंगल नंबर नहीं आएगा आपके पास, जैसे मीडियम में हमने किया था। अब देखिए 80 माइनस 70 कितना आएगा 10 राइट, अब ये देखिए कितना हो जाएगा 160, 2 इंटू 80 160। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 130 इंटू क्या है यहाँ पे 1। चलिए मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, अभी वहां पे दिखेगा नहीं आपको स्पेस प्लॉट। चलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस, अब देखिए ये 10 160 माइनस 130 तो कितना आएगा 30 और ये 1, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो 4 प्लस 1 अपॉन 3, अब यहाँ पे क्या करना है 4 प्लस 1 अपॉन 3, तो 1 को हमें किससे डिवाइड करना है 3 से, तो 1 को 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे देखिए क्या आएगा, डिवाइड नहीं होगा, यू कैन टेक अ डेसिमल पॉइंट देन 0, 3 3 इज 9, अगेन 1 देन योर 3 3 इज 9, तो आपको क्या रिपीट होगा 0.33। तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0.33 रिपीट हो रहा है, इसे हम 3 4 भी कर सकते हैं, आर गेटिंग, जैसे 3 3 3 3 रिपीटिंग, सो वी हैव टू टेक टिल 2 डिजिट, यहाँ तक लेना है, तो 3 भी कर सकते हैं या इसे 4 ऐड करके भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 पॉइंट जब ऐड करेंगे तो 3 4 हो जाएगा आपका मोड, और यूनिट क्या आएगा वहां पे क्या लिखेंगे, कंटेंट ऑफ फैट क्या दिया था परसेंट, सो वी कैन से इट इज अ 4.3% राइट। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन है, आपको 4.34 भी लिख सकते हैं, 4.33 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 3 आ रहा है तो आपको 3 3 भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ऐसे 3 3 भी कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको 3 3 दिखेगा, कहीं पे 3 4 दिखेगा, ऐसे चेंजेस दिखेंगे। सो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट, अभी क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर, क्या लिखना है, द मोड ऑफ द फैट कंटेंट, हियर यू टू राइट द मोड ऑफ, आई एम राइटिंग हियर सी, द मोड ऑफ, द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%, ठीक है। चलिए नाउ, अच्छा जैसे मैंने आपको बोला था कि ये, चलो बाकी तो सब इजी लग रहा है आपको फाइंड आउट करना, कंपेयर टू मीन और मीडियंस आपको इजी लग रहा है राइट, क्योंकि इसमें थर्ड कॉलम का जरूरत नहीं है, थर्ड कॉलम कब बनेगा, व्हेन द क्लास इज नॉट कंटिन्यूअस राइट, बाकी मीडियम में कैसे हम लोग को सीएफ लेस देन बनाना था, बट इसमें बनाना नहीं होगा। तो अभी मैंने बोला आपको यहाँ पे टफ लगेगा ये वाला, हाउ टू रिमेम्बर एफ वन माइनस एफ जीरो की, कभी कभी एफ टू माइनस एफ जीरो भी हो सकता है, तो उसका सिंपल ट्रिक हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वन है उसको आई समझो, आई तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको वर्ड में फ्रेम करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये लिखे से देखिए, इसको आई अगर हम लोग समझे तो क्या हो जाएगा, एफ आई क्या होगा फी, और इसको जीरो को वो समझिए तो क्या हो जाएगा ये फो, सो यू कैन रिमेम्बर फी फो, क्या हो जाएगा ये फी फो अपॉन, अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, देखिए टू है फिर इसे फी समझो, एफ आई समझ लो और फिर ये ओ एफ ओ फो और बाद में टू, ठीक है ऐसे, अगर ये भी लिखते तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखते तो ऐसे याद रखो बस, तो क्या हो जाएगा फी फो टू फी फो टू, तो ऐसे अगर याद हो गया फी फो तो आपको याद होगा हाँ फी मतलब एफ आई मतलब आई मतलब क्या होगा वो वन होगा और वो मतलब क्या था जीरो, तो एफ वन माइनस एफ जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा अभी क्या करना है यहाँ पे फी फो मतलब अगर आपने ऐसे भी लिखा समझ लो आप आई को भी ऐसे लिखते हो और वन को भी ऐसे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा टू ऐसा लिखा है ऐसे लिखो यहाँ पे टू लिखा है टू फी फो तो यहाँ पे माइनस टू फी फो टू, याद रखने का तरीका है टू फी फो टू,
तो यहाँ पे ये टू एफ वन के साथ आ जाएगा माइनस और ये माइनस आ जाएगा। तो देखिए आपको याद हो गया एफ वन, अब ऐसे याद नहीं रखना एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन, आप बोलने के लिए बोलेंगे बट माइंड में कन्फ्यूजन नहीं हो, इधर की उधर शिफ्टिंग नहीं हो, इसलिए आपको क्या करना है इस तरह से याद रखना है फी फोर अपॉन टू फी फोर माइनस फी फोर टू, राइट। तो फी फोर टू हो जाएगा तो टू एफ वन माइनस एफ टू इंटू क्या करना है एच, और इसके पहले क्या रहेगा एल प्लस। सो दिस वे यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूला, अदरवाइज फॉर्मूला ही रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दिया वहां पे, फाइंड द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो टेबल इज रेडी ऑलरेडी, क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं बिकॉज द क्लास इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस। तो एक बार चलिए यहाँ पे फॉर्मूला राइट करते हैं, फॉर्मूला क्या था आपका एल प्लस फी फोर आई सेड, तो फी फोर मीन्स एफ वन माइनस एफ जीरो, देन टू फी ओके फोर माइनस एफ टू, तो ये हो गया यहाँ पे एंड देन मल्टीप्लाई बाय एच, ये होल मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो जाएगा एच। तो हियर यू कैन स्टार्ट, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हियर व्हाट इज एफ वन, एफ वन वी नो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दी है देखिए 100, तो ये हो गया आपका एफ वन, उसके ऊपर का हो जाएगा आपका एफ जीरो एंड द डाउन यू गेट एफ टू, तो ये हो गया प्रीसीडिंग, ये हो गया सक्सीडिंग, तो एफ वन आपके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका मॉडल क्लास, यहाँ पे हो जाएगा एल मीन्स दिस एल इज हियर 60, एच मीन्स व्हाट क्लास इंटरवल मीन्स 20 का डिफरेंस है देखो इसमें, और इधर भी देखेंगे सेम आएगा, सो हियर वी कैन राइट हियर एफ वन इज 100, एफ जीरो इज 70, एफ टू इज 80 मिला हमें, राइट। एल हो गया आपका 60 एंड एच इज 20, राइट। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या है आपका यहाँ पे 60 to 80। आप देखिए जो आंसर लास्ट में मिलेगा 60 और 80 के इन बिटवीन में रहेगा, राइट। 60 से कम नहीं होगा और 80 से ज्यादा नहीं होगा, सो देन यू विल राइट द फॉर्मूला। अब यहाँ पे वापिस से आपको फॉर्मूला लिखना है, ये तो हमने याद रखने के लिए लिखा था एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू फुल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय एच, नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ एल, एल क्या दिया यहाँ पे देखिए एल इज 60 प्लस एफ वन इज एफ वन 100 माइनस एफ जीरो 70 होल डिवाइड बाय 2 इंटू एफ वन, एफ वन अगेन 100 क्या हो जाएगा देन माइनस एफ जीरो कितना है 70 देन माइनस एफ टू 80 देन मल्टीप्लाई बाय एच क्या है आपका 20। नेक्स्ट ये 60 आपको ऐसे लिखते हुए चलना है टिल द लास्ट, जब ये पूरा सॉल्व होके सिंगल नंबर नहीं आएगा, देखिए 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 200, करेक्ट। 2 इंटू 100 200 माइनस दिस विन प्लस हो जाएगा 150 इन होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 20। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे लेते 60 प्लस 30 ये हो गया आपका 30, 200 माइनस 150 कितना आएगा आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 20 अगेन राइट है 60। देखिए अभी क्या होगा यहाँ पे ये कैंसिल करती है 0 0 कैंसिल हो गया आपका, ये 3 और 5 नहीं हो रहा इजली कैंसिल, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 5 4 जा कितना है देखिए 3 4 जा 12 हो गया आपका, 60 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे 72। तो 72 यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स दिए वहां पे, सो वी कैन से हियर मोड equals to 72 units, ये हो गया आपका final answer, but final statement के साथ लिखोगे the mode for use of electricity is 72 units, therefore the mode for use of electricity is 72 units, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या दिया है फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क, राइट। तो यहाँ पे अगेन वी प्रिपेयर द टेबल,
क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी. क्लास में क्या है आपका, देखिए मिल्क इन लीटर एंड द नंबर ऑफ होटल्स. तो यहाँ पे हमने मोड का फॉर्मूला पहले से लिख के रखा हुआ है. सो चलिए अभी यहाँ फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज F1, F0 एंड F2, LN, H. तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो F1 होगी. सो कैन यू सी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर इज अ 35. तो ये हो जाएगा आपका F1 और जस्ट उसके अबो हो जाएगा F0 और उसके बिलो F1 के बिलो हो जाएगा आपका F2. तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा आपका, मॉडल क्लास देखिए ये हो जाएगा आपका ये दिस वन, जहाँ पे ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी दैट कॉलम यू कैन से इज अ मॉडल क्लास. तो यहाँ पे एल आपका हो जाएगा 9 एंड डिफरेंस देखना है. देखिए डिफरेंस यहाँ पे 2 का डिफरेंस है या यू कैन से 9 और 11 क्लास इंटरवल इज 2. तो एच भी आपको 2 मिल गया. सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हियर F1 इज 35, F0 हो जाएगा आपका 20, F2 है 18 एंड L इज 9 एंड H इज 2. ठीक है चलिए. एंड देन यू राइट हियर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इज क्या है आपके देखिए 9 to 11. नाउ राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला यहाँ पे क्या देखिए, मॉड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को रखेंगे. L कितना है देखिए यहाँ पे, L है आपका फाइंड आउट कीजिए 9. ये हो गया 9 प्लस और इज F1 35 माइनस F0 20. तो ये हो जाएगा आपका 20. ये 35 माइनस 20, 2 इंटू F1 35 माइनस F0 20. अगेन यू आर हैविंग माइनस F2 मतलब 18 आएगा देखिए यहाँ पे. देन मल्टीप्लाई बाय H. H कितना दिया है 2. ये तो हो जाएगा आपका 2. चलो देन दिस इज अ मोड. ओके तो 9 को एज इट इज कॉपी करना है. यहाँ पे देखिए 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा 15. ये हो जाएगा आपका 70. हो जाएगा माइनस 38 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस ये 15 हो गया, 70 माइनस 38 तो आपको आ जाएगा 32 इंटू 2. ठीक है चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 16 हो गया. सो 9 प्लस 15 अपॉन 16 तो आप क्या करना है 15 को 16 से डिवाइड करना. तो यहाँ पे देखते हैं 15 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वी कैन टेक अ पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे 0. सो 16 9 कितना आएगा 144. यहाँ पे देखिए 6 बचा राइट. फिर वी कैन टेक अ दिस वन. चलिए यहाँ पे 16 3 48 हो जाएगा अगर हम लोग आगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे. ठीक है ये देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 और ये हो जाएगा 2 12 120. फिर आगे भी हम लोग जाएंगे तो ये कुछ 7 जाएगा राइट. बट हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट तक लेना है. तो इसे लिखेंगे 9, ये 3 नहीं लिखेंगे, इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा इसका राइट है 0.94. तो आपका आंसर हो जाएगा 9.94. सो यू कैन राइट द आंसर मोड इक्वल्स टू 9.94 लीटर्स. So you can write your final answer now. The mode of the supply of milk is 9.94 liters. Okay? Chaliye dekhte last question. Okay, chaliye students, dekhte question number 4. 4 mein humne kya bola? Find the mode of the age of the patient. तो यहाँ पे क्या दिया, देखिए यहाँ पे the table is divided into 3 column, right? Class and the continuous class in the frequency. तो यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास क्यों हमने यूज किया, यू कैन सी दैट दिस डिफरेंस हियर. फर्स्ट क्लास में ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, और इसका ये लोअर है और ये अपर है. तो हम क्या देखते थे, जो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट है वो सेकंड का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, बट इट इज सी डिफरेंट. तो यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 15 है, ये 19 है तो ये 20 है, 24 है तो 25 है. सेम नहीं है बट सेम होना चाहिए. जब सेम रहेगा सो वी कैन से इट इज अ कंटिन्यूस क्लास. बट यहाँ पे सेम नहीं है. अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में देखा होगा कि ये सेम थे, ऐसे ऐसे नंबर वहां पे सेम थे. जहां पे एंड हो रहा है वही सी एंडिंग से ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होता था राइट. इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम होता था, बट यहाँ पे सेम नहीं है. तो हमें क्या करेंगे, इसे सेम करेंगे तो कंटिन्यूस करेंगे. तो 4 और 5 में आप कैसे करेंगे,
फोर और फाइव में कितने का डिफरेंस है आप देखिए वहां पे, डिफरेंस डिवाइड बाय टू, तो डिफरेंस अगर वन है तो डिवाइड बाय टू कितना आएगा 0.5। तो 0.5 क्या करना है, अपर क्लास लिमिट जो भी होगी उसमें ऐड करना है एंड द लोअर क्लास लिमिट में उसे सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 0.5, तो ये पहले ये लिखिए अपर क्लास डैश 4.5 डैश 9.5 ये हो जाएगा आपका 14.5, जो भी नंबर है सिर्फ पॉइंट लगा के फाइव करना है, देन ये हो जाएगा 19.5, ये हो गया आपका बोलिए 24.5, यहाँ क्या आएगा 29.5। चलिए अभी हमें पता है यहाँ पे माइनस करना है, तो अभी माइनस करने की जरूरत है नहीं, राइट। अगर चलो एग्जांपल 5 में अगर माइनस करते तो कितना आता, 5 में अगर हम 0.5 माइनस करते तो ऐसे करते, तो यहाँ से बोरो करते तो ये 4 होता, ये 10 में से 5 गया 5, ये देखिए 4 आ गया 4.5 आता, मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी माइनस करेंगे तो ये अभी यहाँ पे 4.5 आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए सेम मिल गया, मतलब क्या बोलना है यहाँ पे जो होगा वो यही आएगा, तो यहाँ पे जो वो यही आएगा 9.5, यहाँ पे क्या आएगा यही वाला आएगा, तो आपको माइनस नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये यहाँ पे आ जाएगा देखिए कॉट दैट ट्रिक। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए 0 में क्या हो रहा है, हम माइनस कर रहे हैं क्या 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.5, इसका यूज भी नहीं, इसका हमको देखना भी नहीं, राइट। यहाँ पे लिखा लेस देन 5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा, बट अगर आपको आइडिया मिल गया उसका राइट डाउन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आएंगे तो आपको ये तो करना ही है ऐसा, ओके। चलिए नाउ आवर फॉर्मूला इज रेडी हियर, तो अभी फॉर्मूले को देखिए हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हाट इज सी F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी दिख रही है 50, ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, F1 के बिलो, राइट, और पहले वाला ये होता है। अब यहाँ पे आप देखना यहाँ पे L कहाँ पे होगा, L तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 है, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसे इसका कोई यूज नहीं अभी हमें नहीं देखना है, हमने L के लिए ये फाइंड आउट किया, कंटिन्यूस क्लास में क्या यूज होगा हमें L निकलेगा, तो L हो जाएगा आपका लोअर क्लास लिमिट 9.5, इसका क्लास इंटरवल अभी देखिए क्या हो जाएगा, अभी ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट, बट आप ऐसे देखोगे तो 4 आ रहा है, बट जब क्लास कंटिन्यूस होगा यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू और बाय दिस अपर क्लास लिमिट में, कोई भी कंसेक्यूटिव अपर क्लास लिमिट में हम माइनस करेंगे तो सेम आएगा, या ऐसे भी करेंगे तो हमें सेम आंसर आएगा, ठीक है। कितना इसका देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, और ऐसे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है, सो व्हेन क्लास कंटिन्यूस रहेगा सो इन एनी वे यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस यू विल गेट द सेम। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे ईयर योर F1 इज 50, F0 हो जाएगा आपका 32 और F2 हो गया आपका 36, L आपका हो जाएगा 9.5 एंड H इज 5 होगा, राइट, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा, चलो क्लास इंटरवल 5 है, सो मॉडल क्लास क्या है यहाँ पे, मॉडल क्लास इज व्हाट इज द मॉडल क्लास, ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास वेयर यू गेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या दिया यहाँ पे 9.5 to 14.5। चलिए नाउ विल राइट द फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय टू F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। चलिए व्हाट इज L, L यहाँ पे है 9.5 प्लस देखिए F1, व्हाट इज F1 50 माइनस F0 क्या होगा यहाँ पे देखिए 32, 2 मल्टीप्लाई F1 अगेन 50 माइनस F0 32, राइट, देन माइनस व्हाट इज F2, सी F2 कितना दिया 36 होल मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 5, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5। चलिए 9.5 एज इट इज कॉपी करना है प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 50 माइनस 32 हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस, अब इसे प्लस कर दीजिए ये हो जाएगा देखिए 68 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 9.5 प्लस 18 ओके 18 अपॉन 100 माइनस 68 आपका आएगा 32 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ओके।
अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर सकते हो आप, 2 9 18 2 2 6 12 राइट, तो ये हो जाएगा आपका 9.5 प्लस इसका इंटू कीजिए 9.5 45 / 16 सो 9.5 प्लस 45 अपॉन 16 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आप ट्राई करो यहाँ पे 45 और 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 16 2 32 ये 3 यहाँ पे हो गया 13 देन वी कैन टेक अ पॉइंट और जीरो, ठीक है, फिर 8 फिर आप ऐसे से डिवाइड करना तो यू गेट आंसर, ठीक है, 2.8 आगे भी जाएंगे तो आगे भी आएगा बट यहाँ पे 8 आपको बिगर नंबर दिख रहा है 8। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसे ऐड कर लेंगे 9.5 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, देखिए 8 अगर आपको ऐसे नहीं कर पा रहे तो वर्टिकली लिखे भी कर सकते हैं, 5 प्लस 8 13 9 प्लस 2 11 एंड 1 वहां पे हो जाएगा 12 सो 12.3 ठीक है 12.3 बट यहाँ पे देखिए 2 डिजिट हम लोग को चाहिए तो 1 डिजिट और लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लीजिए कितना आएगा, आपका यहाँ पे जाएगा 2 आया, पॉइंट ऑलरेडी टेकन तो यू कैन टेक 0 तो ये हो जाएगा 1 राइट, 16 1 16 यहाँ पे आएगा तो ये 1 कर लेते हैं हम लोग 2.81 तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी देखिए चेंज हो जाएगा आपका, सो 9.5 प्लस 2.81 तो ये 13 12.31 सो यू कैन राइट हियर आंसर विल बी 12.31 तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा मोड इक्वल्स टू 12.31 यूनिट क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे ईयर्स लिखा है एज इन ईयर्स सो यू कैन राइट हियर ईयर्स, ठीक है, सो ये होगा आपका फाइनल। अब यहाँ पे क्या यूज करना है लास्ट में, यू कैन राइट द आंसर, देयरफॉर द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट इज 12.31 इयर्स, सो दीज आर द एप्रोक्सिमेट मोड नॉट द एग्जैक्ट, जैसे मैंने बोला क्योंकि हम लोग व्हेन वी फाइंड द मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा सो ऑलवेज वी विल गेट द एप्रोक्सिमेट वैल्यू। अब आपका देखिए यहाँ पे हिंट एक बार और रिकॉल करा रहा हूँ, आंसर क्या होना चाहिए जो आपका मॉडल क्लास मिलता है, ठीक है, ये देखिए जो मॉडल क्लास है उसके बिटवीन में ही आंसर होगा, ये 9.5 to 14.5 के बिटवीन में ये मिला हमें 12.31। If you are getting more than 14.5 or less than 9.5, मतलब you made the mistake somewhere, या आपने mistake किया होगा, so you are getting different answers. So एक range आपको एक idea मिलेगा कि इसके बीच में ये आया है, कभी कभी आप suppose 11.25 मिला तो भी wrong हो जाएगा क्योंकि answer ये है, but आपको लगेगा कि we got 11.25 इन बिटवीन में है बट यू शुड गेट द करेक्ट आंसर ऑल्सो, बट इतना इससे ज्यादा और इससे कम मिला तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस 6.3 और आपको ये मोड कैसा लगा, आई होप कि मीडियन और मीन और मीडियन से आपको ये मोड इजी लगा होगा क्योंकि इसमें हमको ज्यादा टेबल में कॉलम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूस, जब क्लास कंटिन्यूस नहीं रहेगा तभी यहाँ पे हमें जरूरत पड़ा, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल फॉर्मुला याद रखना है, एंड आई टोल्ड यू हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मुला, वन सेकेंड देख सकते हो यहाँ पे FIFO मतलब इसे आई और वो समझो FIFO अपॉन 2 FIFO 2 सो खाली आपको यहाँ पे माइनस यूज करना है, यहाँ पे प्लस भी नहीं क्योंकि कंफ्यूजन हो कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपको इस कोडिंग से करके इसे याद रख लेना है, एल प्लस FIFO अपॉन 2 FIFO माइनस 2 into H सो दिस वे आपको ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट्स करके बता सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ओके।